नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ मैं हूं मैं तिवारी। खबर बड़ी है, चतुराई सिंधिया से जुड़ी हुई है। चतुराई सिंधिया की सुरक्षा में हो गई बड़ी चूक, और इतनी बड़ी चूक की लापरवाही कहीं भारी पड़ सकती थी, और इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में 14 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं, जिनमें से 5 ग्वालियर के बताए जा रहे हैं, 9 मुरैना के। आखिर सिंधिया की सुरक्षा में ये बड़ी चूक कैसे हुई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। चतुराई सिंधिया दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे सड़क मार्ग के जरिए। आए थे, पायलटिंग के लिए गाड़ी मिलती है, जिसको जो संबंधित जिला होता है वहां की पुलिस जो है वो फॉलो करती है, वाहन के आगे चलती है जिसको ये सुरक्षा दी जाती है। तो मुरैना पुलिस ने पायलटिंग करना शुरू की, ग्वालियर की सीमा तक पहुंची मुरैना की पुलिस चतुराई सिंधिया को लेकर सुरक्षा में। अब उसके बाद हुआ ये कि चतुराई सिंधिया की जैसे दिखने वाला जो वाहन था, दूसरी गाड़ी थी, वो आगे निकल गई। पुलिस को ये लगा कि चतुराई सिंधिया की गाड़ी तो ये जा रही है, तो इसको फॉलो करना है। तो जो चतुराई सिंधिया जिस गाड़ी थी, उस गाड़ी को छोड़कर जो पुलिस वाले हैं उस वाहन को फॉलो करने लगे, और इस वजह से लापरवाही चूक ये हो गई के ग्वालियर की सीमा पर निरावली से लेकर हजीरा तक चतुराई सिंधिया, जो करीब 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है, बगैर सुरक्षा के ही रात में चतुराई सिंधिया को आना पड़ा। अब इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के बता रहे, पहले हम सुन लेते हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिल्ली से सड़क मार्ग से ग्वालियर आ रहे थे, और इस दौरान उनको उनकी सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप पूरी व्यवस्था दी गई थी, और कारकेड जो है बॉर्डर पे खड़ा था, किंतु जो कारकेड खड़ा था उसका मुरैना कंट्रोल या जो दूसरा फॉलो पायलट था उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण माननीय सांसद महोदय को जिले के अंदर लगभग 5 किलोमीटर तक पायलट का संपर्क नहीं हो पाया, जिसे पायलट ने बाद में कवर किया, और ये सुरक्षा में एक चूक थी, लापरवाही थी, जिसके लिए पायलट कंट्रोल रूम प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और उनकी विभागीय जांच की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर सुना, सुरक्षा में चूक हुई, अब एक्शन लिया गया है। ये पहली बार नहीं कि चतुराई सिंधिया की सुरक्षा में इस तरीके की चूक हुई है। रात का वक्त था, अब चूंकि कहा जाएगा कि क्या पुलिस में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, मुरैना पुलिस में और ग्वालियर पुलिस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी कमी साफ तौर पर दिखी, और सुरक्षा में ये चूक भारी पड़ सकती, लापरवाही निकलकर सामने आई इस तरीके से। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होता तो जो गाड़ी जो पायलटिंग कर रही है, जिस जिले में प्रवेश कर रही है, जिस सीमा पर, वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। अब इस पूरे मामले में सुरक्षा में चूक जब हुई है तो बड़े तौर पर सवाल भी उठ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पहले भी तो चूक हुई थी, जब NSUI के कार्यकर्ताओं ने चतुराई सिंधिया को विश्रम के फूल दे दिए थे, उनका काफिला रोक लिया था। ग्वालियर से आप तक की खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने, आप देखते रहिए MP तक।